नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले राज्यों में सहयोगों को मनाना बीजेपी के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में किसी तरह से अपने सहयोगियों के साथ तनाव कम करने की कोशिश में लगी बीजेपी के लिए अब त्रिपुरा में भी समस्या खड़ी हो गई है। दोस्तों, राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी की सहयोगी पार्टी IPFT ने कहा है कि वह राज्य की दोनों लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेगी। हालांकि इस पर बीजेपी का कहना है कि अभी इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन IPFT के सहायक महासचिव और प्रवक्ता मंगल देव वर्मा ने कहा है कि यह फैसला पार्टी के केंद्रीकरण कार्यकारी समिति के सोमवार को लिया जाएगा। देव वर्मा ने यह भी कहा कि बीजेपी से कोई बातचीत नहीं हुई है। वहीं IPFT के उपाध्यक्ष अनंत देव वर्मा ने अलग से कहा कि पार्टी के आगामी आम चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए पार्टी अध्यक्ष और राजस्व मंत्री नरेंद्र चंद्र देव वर्मा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि हमसे इस मुद्दे पर किसी प्रकार की बात नहीं हुई है और हमने अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता नवेंदु भट्टाचार्य ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और IPFT के नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। दूसरी ओर त्रिपुरा की सबसे पुरानी जनजाति पार्टी इंडिजिनस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्रिपुरा ने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है कि वह आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी या अन्य दलों के साथ गठबंधन करेगी। INFTP के महासचिव जगदीश देववर्मा ने कहा कि हम त्रिपुरा में बदलने के प्रदेश से नज़र रखे हुए हैं। त्रिपुरा में दो प्रमुख और वाम दल कांग्रेस और बीजेपी हमेशा से जनजाति लोगों के लिए समर्थन के लिए INFTP और IPFT पर निर्भर रहती है और 40 लाख आबादी वाला यह राज्य त्रिपुरा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है बीजेपी के साथ ये बड़ी पार्टी गठबंधन करेगी नहीं, तो फिर किस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है यहाँ किसकी सरकार बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और न्यूज़ अच्छी लगी तो न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।